खून से लथपथ ये हैं सिंगरौली पुलिस में तैनात दयानंद सिंह। दयानंद सिंह अपने अधिकारी के साथ एक मामले की जांच के लिए यहां आए थे। ये आरोपी रमेश सिंह को पकड़कर शिवपुर थाने लाए थे, लेकिन शिवपुर थाने में कार्रवाई करके जैसे एमपी पुलिस के जवान आरोपी को लेकर थाने से 100 मीटर आगे बढ़े, कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसमें एमपी पुलिस के एक दरोगा और एक जवान घायल हो गया। हमलावर आरोपी को भी छुड़ा ले गए। हम लोग एक अपराध की योजना में यहाँ मुलजिम से 420 के धारा का इसको गिरफ्तार करने के लिए आए थे। शिवपुर थाने की स्टाफ से उसको महेश नगर से गिरफ्तार करके थाने ले आए। यहाँ पर जीडी में जैसे वो हम लोग रवानगी जब जाने लगे तो थाने से उसकी 100 मीटर दूरी पर उनके परिजन रमेश सिंह के परिजन लोग हम लोग पर घेर के घेराबंदी करके मारपीट करने लगे। हमारे साहब साई साहब साहबलाल सिंह का रिवाल्वर छीनने कोशिश किए थे, उसी उसमें मुलजिम छीनने कोशिश कर रहे थे, इसी चलते ये घासा घटा। चोटे मेरे सर में लगा है, हमारे साहब को मुंह में लगा है और शरीर में पीठ में भी लगा होगा, मेरे सर में लगा है, बाकी सब ठीक है। तो वहाँ पर 420 का है, वो पैसा लेके कर्मचारी भर्ती कराने प्राइवेट उसमें कराता था, उसी में फरार था। एमपी पुलिस पर हमले के बाद यूपी पुलिस तत्काल एक्शन में आ गई है। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ ही चार हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।